दोस्तों YouTube पर लोग इस तरह का शॉर्ट्स बनाकर लाखों व्यूज ला रहे हैं और अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं और पैसा तो कमा ही रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग पॉडकास्ट वाली वीडियो से इस तरह का शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में, एंड जिसको आप इस मोबाइल फोन से भी इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब से लॉन्ग पॉडकास्ट वाली वीडियो को फाइंड करना है, जो कि आपको YouTube पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। देन आपको इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेना है। ध्यान रहे, आपको पॉडकास्ट वाली वीडियो ही फाइंड करना है। एंड उसके बाद आपको गूगल क्रोम से इस वाले वेबसाइट को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वाला वेबसाइट को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जिस भी आप लिंक को कॉपी किया है YouTube से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड गेट टिप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जिस भी लैंग्वेज में आपका वीडियो है, उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका वीडियो इंग्लिश में है, तो यहाँ से इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से गेट क्लिप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। एंड वहाँ से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे 5 कंप्लीट टास्क कंप्लीट होता है, जिसमें आपका जो वीडियो है उसमें से बेस्ट पार्ट को ये फाइंड करता है। उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्शन भी ऐड कर देता है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, जैसे ही आपका ये 5वां कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको वीडियो शो कर देगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, यहाँ पे 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद ये हमारे वीडियो से 10 छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे जनरेट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे वीडियो में कैप्शन भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मेरा ये वीडियो भी जनरेट हो गया है। अगर आप चाहते हो इसको एडिट करना, तो इस पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, तो इसको चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है।